मायापुरी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूँ छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। बॉलीवुड की सबसे अमीर फीमेल एक्ट्रेस, फोर्ब्स 2018 की 100 सबसे अमीर सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी कर दी गई है। बॉलीवुड की अदाकारा दीपिका पादुकोण टॉप 10 की सूची में अकेली फीमेल सेलेब्स हैं। उनकी सालाना कमाई 112.8 करोड़ रुपए है। प्रियंका चोपड़ा 18 करोड़ की कमाई के साथ इस लिस्ट में 49वें नंबर पर हैं। वहीं एक्ट्रेस आलिया भट्ट 58.83 करोड़ के सालाना कमाई के साथ 12वें नंबर पर है। अनुष्का शर्मा की बात करें तो वो 45.83 करोड़ सालाना कमाई के साथ 16वें नंबर पर है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु 20वें नंबर पर हैं, वहीं एक्ट्रेस कैटरीना कैफ 21वें नंबर पर हैं। इस बार राज कपूर स्पेशल होगा इंडियन आइडल। इंडियन आइडल 10 की टॉप 6 प्रतियोगी सप्ताह के अंदर में आरके स्पेशल एपिसोड के साथ आपको संगीत यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस हफ्ते इंडियन आइडल 10 में अभिनेता रणधीर कपूर शामिल होंगे। प्रतिभागियों के प्रदर्शन को देखने के बाद रणधीर आश्चर्यचकित हो गए। रणधीर कपूर भी आरके स्टूडियो, राज कपूर जी और उनके परिवार के लिए अपने अनुभव और भावनाओं को शेयर करेंगे। रणधीर कपूर ने शो के कंटेस्टेंट के साथ सेट पर खूब मस्ती की, साथ ही मनीष पॉल ने आरके स्पेशल मोमेंट के साथ प्रतियोगी द्वारा श्रद्धांजलि के रूप में मेडली भी गाया। कपिल शर्मा शो के पहले गेस्ट बनेंगे सलमान खान। कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने चर्चित प्रोग्राम द कपिल शर्मा शो से टीवी पर कम बैक कर रहे हैं। कपिल ने शो की शूटिंग शुरू कर दी है। शो के नए सेट की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उनके शो के पहले सेलिब्रिटी गेस्ट बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान होंगे। कपिल के पिछले शो में साथ रहे चंदन, कीकू शारदा और सुमोना चक्रवर्ती भी नए सीजन में उनके साथ होंगे। शो में रोशेल राव के साथ कॉमेडियन भारती सिंह और कृष्णा अभिषेक भी नजर आएंगे। उनके शो के दूसरे सीजन का टीजर रिलीज हो गया है। इसमें शो के जल्द रिलीज होने की भी जानकारी दी गई है। बीमारी और विवादों से घिरे रहने के बाद अब कपिल नए सिरे से अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। शादी के लिए भारत आ रही हैं हॉलीवुड सेलिब्रिटी। देश के सबसे अमीर और चर्चित बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ईशा की शादी में देश ही नहीं विदेश की भी जानी मानी हस्तियां शामिल होने भारत आ रही हैं। सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वायरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खबर दी है कि शादी के लिए जानी मानी हॉलीवुड एक्ट्रेस टेलर स्विफ्ट भारत आने वाली हैं। वायरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस बात की जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि टेलर स्विफ्ट इंडिया आ रही हैं। पहले खबर थी कि सिंगर बियॉन्से परफॉर्म करने वाली थी, लेकिन अब वो इस शादी में नहीं आ पाएंगी। 28 साल की टेलर स्विफ्ट $320 मिलियन की मालकिन है। इसी के साथ टेलर ने आज ही जारी हुई फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भी जगह बनाई है। इस मार्केट में शॉपिंग करती है सारा अली। सारा अली खान ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि वो खुद को नवाब कहलाना नहीं बल्कि खुद को फकीर कहलाना पसंद करती हैं। सारा ने कहा, लोग सोचते हैं कि मैं एक स्टार की बेटी हूं तो खूब महंगे कपड़े पहनती होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं स्ट्रीट शॉपिंग करना पसंद करती हूं। सारा ने बताया, एक्ट्रेस बनने के दौरान मुझसे कहा गया कि डिजाइनर कपड़े पहनने हैं, इसलिए मैं ऐसा करने लगी हूं। वैसे तो मैं 1000 रुपए से अधिक की शॉपिंग कभी नहीं करती हूं। मेरी सारी शॉपिंग दिल्ली के मार्केट से होती है। हाल ही में हैदराबाद गई थी तो मॉम के साथ मीना बाजार चली गई थी। सारा का कहना है कि मुझे कभी ये बात समझ नहीं आती है कि लोग कैसे इतने पैसे कपड़ों में खर्च कर देते हैं। सारा ने ये भी कहा कि अक्सर सुनने में आता है कि मैं अपने कपड़े रिपीट करती हूँ। इस पर मेरा जवाब यही है, हाँ करती हूँ। मुझे कोई सेलेब स्टेटस नहीं चाहिए, मुझे लोग फकीर कहें और माने तो अच्छा है। सारा कहती है कि ये सारी चीजें माँ से सीखी हैं। माँ ने ही हमेशा सलाह दी है कि जरूरतमंदों की मदद करो, बेकार का दिखावा मत करो। सिर्फ दिखावे के लिए पैसे उड़ाने से अच्छा है कि किसी गरीब का पेट भर दो। ये सब कहीं से भी दिमाग पर लाने की जरूरत नहीं होती है कि कपड़ों से इंसान की पहचान होती है। ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। फिल्म उरी जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है, ट्रेलर की शुरुआत उन विजुअल्स से होती है जब उरी बेस कैंप पर हमला होता है और हमारे 19 जवान शहीद हो जाते हैं। इसके बाद कैसे सेना में इस घटना पर गुस्सा फूटा और कैसे सेना और अधिकारियों ने मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान बनाया। फिल्म में विकी कौशल सेना के वो अधिकारी बने नजर आ रहे हैं जो इस सर्जिकल स्ट्राइक को लीड करते हैं। वहीं एक्ट्रेस यामी गौतम फिल्म में एक बेहद कड़क जांच अधिकारी बनी नजर आ रही हैं। फिल्म के ट्रेलर में कई बेहद दमदार डायलॉग सुनाई दे रहे हैं, जैसे आज तक हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझा जाता था मगर अब नहीं। ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। वहीं ट्रेलर की शुरुआत में विकी कौशल कहते सुनाई दे रहे हैं, फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर है। अगर मैं अपने देश अपने भाइयों के लिए
नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बनकर रह जाऊंगा। फिल्म में कमांडर इन चीफ का रोल निभाने के लिए विक्की ने अपना 20 किलो वजन बढ़ाया है। ये फिल्म अगले साल 11 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। संजय दत्त के साथ नजर आएंगे आयुष शर्मा। अपनी डेब्यू फिल्म लवयात्री में एक रोमांटिक हीरो के बाद अब आयुष शर्मा आपको एक्शन करते नजर आएंगे। जी हां, जल्द ही आयुष शर्मा संजय दत्त के साथ एक गैंगस्टर फिल्म में नजर आने वाले हैं। अभी अंडरवर्ल्ड पर बनने वाली फिल्म में संजय दत्त के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते दिखेंगे। फिल्म की प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा ने बताया कि ये फिल्म अंडरवर्ल्ड में एक युग के शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी है। फिल्म में भरपूर एक्शन होगा, इसलिए संजय दत्त के अलावा इस किरदार के लिए उनके मन में किसी और का नाम नहीं आया। अमिताभ बच्चन ने शुरू की झुंड की शूटिंग। डायरेक्टर नागराज मंजुले ने अपनी अगली फिल्म झुंड की शूटिंग नागपुर में शुरू कर दी है। नागराज मंजुले की फिल्म में बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन लीड रोल में हैं और सबकी निगाहें इस फिल्म पर टिकी हैं। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर अपनी तस्वीरें साझा कर लिखा, झुंड के लिए नागपुर में हूँ। मराठी ब्लॉकबस्टर सैराट के निर्देशक नागराज की पहली हिंदी फिल्म, आकर्षण का केंद्र और नागपुर भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्र, दो धुरियों का मिलन। फिल्म खामियाजा का म्यूजिक लॉन्च। हिंदी फिल्मों में भ्रष्टाचार और आम आदमी की लड़ाई पर आधारित फिल्में दर्शकों को हमेशा पसंद और आकर्षित करती रही है। कुछ इसी तरह निर्देशक दीक्षित कौल की फिल्म खामियाजा भी इस मुद्दे को लेकर बनी है कि किस तरह से एक ताकतवर शख्स किसी आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल भरा बना सकता है। मुंबई में आयोजित एक पार्टी में फिल्म का ट्रेलर और संगीत लॉन्च किया गया। इस अवसर पर फिल्म के निर्माता राजेश आर त्रिपाठी, लेखक निर्देशक दीक्षित कौल और सह निर्मात्री नीलू कौल और मुख्य कलाकार हेरम त्रिपाठी, पियाली मुंशी और आलोक चतुर्वेदी उपस्थित थे। टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता पंकज बेरी और रूपाली काद्यान विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। संजय दत्त ने शेयर की बच्चों की तस्वीर। संजय दत्त बॉलीवुड के सबसे सफल एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने 1921 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। 37 साल के करियर में वो लगभग 187 फिल्में कर चुके हैं। वो कई अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। सफलता का मुकाम छू चुके संजय दत्त अब अपने बच्चों की सफलता पर गर्व कर रहे हैं। कई मेडल्स के साथ उन्होंने अपने जुड़वा बच्चों शहरान और इकरा की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर में दोनों बच्चों के हाथ में कई मेडल्स दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों के साथ संजय दत्त ने कैप्शन लिखा है, ये पल मुझे गर्व से भर देते हैं। संजय दत्त पहले भी अपने बच्चों की ऐसी तस्वीरें शेयर कर चुके हैं। इस तस्वीर को भी उन्होंने प्राउड फादर के साथ शेयर किया था। मायापुरी न्यूज़ में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज़ के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।